तो मैं भागता हुआ गया कि मेरा पैर केले के छिलके पे पड़ा और मैं फिसल के मास्टर के पैर के पास गिर गया। मास्टर कहता है, बेटा ये केला नहीं वो केला लेना। और क्या हाल चाल है? तो यार देखो, हर किसी की जिंदगी में ना सबसे बेस्ट मोमेंट उसके स्कूल में ही होता है, और जो मेमोरीज बनती है ना वो कमाल की होती है यार स्कूल की। लेकिन कुछ मेमोरीज ऐसी बनती है जिसे आप जब भी याद करो तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। लाइक एक बार ना हमारे स्कूल में 15 अगस्त का सेलिब्रेशन हो रहा था और सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि अचानक से हमारे प्रिंसिपल सर पिंजरे में कबूतर कैद करके लाए, स्टेज पे चढ़े और उसे आजाद कर दिया, जो कि अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट थे। लेकिन उस कबूतर को आजादी पसंद नहीं थी, उसने उस आजादी का इतना नाजायज फायदा उठाया वो पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा के आया और सर के टांट पे हक गया। जिस प्रिंसिपल के सामने बच्चों की आवाज तक नहीं निकलती थी, खुलेआम हंस रहे थे और हम जैसे हरामी लौंडे मुंह नीचे करके कह रहे हैं 140 ही शक्ल लेके घूमेगा तो हक ही देंगे ना। मतलब सालों की बनाई इज्जत एक झटके में खत्म। कुछ बच्चे ऐसे ही उसके ऑफिस के आगे लिख लिख के आ रहे हैं यार कि भाई उसके पिछवाड़ा तो धो देते। यार चड्डी पहना के आजाद करना चाहिए था, तुम इतने पढ़े लिखे हो, अकल नहीं है क्या तुम में? भाई साहब ऐसे ऐसी चीजें लिख के आ रहे हैं यार उसके ऑफिस के आगे। जिस प्रिंसिपल के सामने ना हम रास्ते में देखते ही रास्ता बदल लेते थे, उसके बाद हम खुलेआम ढूंढते हुए जाते थे कि चल ना एक बार सर को देख ले तो मूड फ्रेश हो जाए। और वो सर ना थोड़े थे भी अजीब यार। जैसे आप देख लो यार, कोई भी सेलिब्रेशन हो आपके स्कूल में तो रिफ्रेशमेंट में क्या मिलता होगा? समोसे मिलते होंगे, फ्रूटी मिलते होंगे। हमारे स्कूल में केला बंटवा रहे थे। अबे केला कौन बंटवाता है यार? नहीं फल ही बांटना है तो कोई दूसरा फल बांट दो, केला। हम नॉर्मल चीजों में डबल मीनिंग ढूंढ रहे थे, केला अपना फेवरेट टॉपिक बन गया था उस दिन। हम सबसे मजे ले रहे हैं कि ये देख इसको कितना मोटा केला मिला है। अरे सही नवाबी शौक पाल रखी आपने। अबे उसको छोड़, उसको देख बेचारे को बहुत छोटा मिला भाई साहब। कोई बात नहीं, तेल लगाना बड़ा हो जाएगा। टीचर हमसे आगे कह रहा है कि बच्चे जाके तुम भी केला ले लो। हमने कि हम क्या करेंगे लेके, हमारा ऐसे ही लटके लटके वेस्ट हो रहा है। किसी को कम पड़ जाए तो इधर भेज देना, हम अपना केला दे देंगे। फुल मजे ले रहे यार हर किसी से। और हमारे ग्रुप में ना एक पढ़ाकू लौंडा था तो हमने उससे मजे ले लिया। हमने ना पीटीआई सर को आवाज लगी, सर देखना ये गुप्ता केला लेने नहीं जा रहा। और वो पीटीआई सर ना गेम से ज्यादा कानून की बातें करते थे कि अपने हक के लिए लड़ो, जो अपना हक छोड़ता है वो एक लाश के बराबर है। तो वो कहते हैं क्या हुआ बेटा? तो गुप्ता कहता है, सर मुझे केले नहीं पसंद। सर कहते हैं तो क्या हुआ? अपना हक नहीं छोड़ते। तुम्हें नहीं पसंद कोई बात नहीं, घर ले जाओ, अपनी मम्मी को दे देना, उनको तो पसंद होगा ना केला। वो कह रहा, सर कैसे अश्लील बातें कर रहे हो आप? सर को पता ही नहीं सर कह रहे अश्लील क्या था इसमें। तो पीछे से एक दोस्त बोल पड़ा, अरे एक केले से क्या होगा आंटी का? मास्टर कहता है, तो क्या हुआ यार, मेरा केला ले जाना, ये भी दे देना अपनी मम्मी को। फिर हम सारे बोल पड़े कि हाँ हम भी दे देंगे, हमारा भी दे देना आंटी को। गुप्ता भाग गया वहां से। और ना हम सबसे ही मजे ले रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ना सबके समझ में आ गए कि डबल मीनिंग चल रही है इसमें, तो कोई केला लेने अब जा ही नहीं रहा। टीचर बुला रहा है कि अरे अभी तो दो दो केला मांग रहे थे, अब एक भी नहीं लेना। तो उसके बाद क्या होता है, सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक से मेरी जो क्रश थी, जिसके बारे में सबको पता था, वो केला लेने जाने लगी। अब सारे बच्चे मेरी तरफ देख के ओ करना शुरू कर दिया और मैं उसे आवाज लगा रहा हूं, रुक ही नहीं रही। मेरा दोस्त कह रहा, भाई यार रोक ले वरना मास्टर भाभी को केला दे देगा। मैं रोक रहा हूं, रुक नहीं रही भाई, क्योंकि खूबसूरत लड़कियों का एटीट्यूड की हम क्यों सुने किसी की। तो मैंने कि मैं अपनी मोहब्बत को ऐसे जलील होते हुए तो नहीं देख सकता। तो मैं भागता हुआ गया कि मेरा पैर केले के छिलके पे पड़ा और मैं फिसल के मास्टर के पैर के पास गिर गया। मास्टर कहता है, बेटा ये केला नहीं वो केला लेना।